नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां अपनी नई टीम के गठन के लिए दिल्ली में हैं, पार्टी और संगठन के लोगों से बात कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड में अभी तक सरकार का चेहरा ही फाइनल नहीं हुआ, यानी मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर ही डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ा निर्णय लिया जा रहा है और वो बड़ा निर्णय उत्तर प्रदेश से ही जुड़ा है। दरअसल उत्तर प्रदेश से इसलिए जुड़ा है कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वो उत्तराखंड के हैं, ठाकुर बिरादरी के हैं, इसलिए पार्टी संगठन इस बार उत्तराखंड में कमान किसी ब्राह्मण नेता को देना चाहता है। ये लगभग फाइनल हो चुका है, ठाकुर नेता को ना देकर ब्राह्मण नेता को कमान दी जाएगी उत्तराखंड में, क्योंकि दोनों सूबे जो दोनों जो राज्य हैं मिले हैं, अगर दोनों सूबों की कमान ठाकुरों के हाथ में जाएगी तो इसका गलत संदेश जा सकता है। तो पार्टी जो का कहना है, संगठन के लोगों का कहना है कि उत्तराखंड की कमान किसी ब्राह्मण को दी जाए। आप ये समझ सकते हैं कि इसके लिए पार्टी किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली आए, बीएल संतोष जो संगठन मंत्री है उनसे शुरुआत में उन्होंने मुलाकात की। सर्वानंद सोलवार और बीएल संतोष साथ साथ मिले सीएम योगी से। बीएल संतोष ने कल उत्तराखंड के जो नेता है अजय भट्ट, उनसे मुलाकात की। अजय भट्ट केंद्र में मंत्री है, सीनियर नेता है, लगातार जब संयुक्त प्रांत है दोनों, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से भी दो बार चुने गए हैं, तीन बार एमपी रहे हैं, यानी अजय भट्ट का नाम इस समय रेस में सबसे आगे। दरअसल इसके पीछे वजह यही है कि पार्टी संगठन चाहता है कि उत्तर प्रदेश में अलग बिरादरी का नेता हो और उत्तराखंड में अलग, तो इससे एक संदेश उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों में भी जाएगा कि पार्टी उनको कंसिडर करती है, उनका सम्मान करती है, और इसी वजह से अजय भट्ट को रेस में आगे माना जा रहा है। दोस्तों अजय भट्ट से अलग अगर बात करें, कई दूसरे ब्राह्मण नेताओं के बारे में बात हुई जिसमें मदन कौशिक है, बंसीलाल भगत है, सुबोध उनियाल है, रमेश पोखरियाल निशंक है, इनके नाम की भी चर्चा हुई, लेकिन अजय भट्ट आगे हैं। वहीं महिलाओं की बात है तो महिलाओं ने बड़ी तादाद में बीजेपी को इस बार वोट दिया, बट पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज़्यादा वोट दिया, इसलिए ऋतु भूषण खंडूरी की भी बात सामने आई कि ये जो कुछ चेहरे हैं, कुछ नेता है जिनको लेकर पार्टी कंसिडर करेगी कि इनमें से किसको कमान सौंपी जाए, लेकिन फिलहाल तक जो है अजय भट्ट आगे हैं। और सोच यही है कि एक ब्राह्मण नेता जो पार्टी का कद्दावर नेता हो, जिसका प्रभाव हो और जो दोनों प्रदेशों में इफेक्टिव हो और संदेश जाए, तो उसमें अजय भट्ट पार्टी के खाके में सही बैठते हैं। तो दोस्तों ये थी उत्तराखंड की वो अपडेट जो इस समय तक है, और संभावना है कि अजय भट्ट को ही राज्य की कमान सौंपी जाएगी। जो भी अपडेट आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नमस्कार, अगर आपके भी पास कोई जानकारी है एक्सक्लूसिव तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, या कुछ और अपडेट चाहते हैं तो वो भी लिख के दे सकते हैं।